सो हेलो हैलोन एंड गुड इवनिंग सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस पावर आ रही होगी सभी तक एक बार कन्फर्म कर देंगे तो आज का हम लोग का टॉपिक है सोशलिज्म साइमन एंड सी डी एम ठीक है यानी कि समाजवाद साइमन और सविनय अवज्ञा आंदोलन सीडीएम का मतलब क्या है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सचिन शिवांगी मयंक सोनिया तूफान का देवता रेमन सभी को गुड इवनिंग ओके okay, क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था कल हम लोग का जो टॉपिक था दैट वाज एमरजेंस ऑफ गांधी और सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हमने पढ़ा क्या था हमने ये पढ़ा था कि गांधी जी रिटर्न पहले तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया था तो ही सेटअप नेटल इंडियन कांग्रेस ठीक है फिनिक्स फार्म स्टे फार्म और इंडियन ओपिनियन ने एक न्यूज़पेपर लेके है देन ही रिटर्न टू इंडिया 9 जनवरी 1915 देन उन्होंने एक साल अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे इंडिया का भ्रमण किया और फिर उसके बाद बैक टू बैक तीन हिट्स मारे वो कौन से हिट्स थे चंपारण सत्याग्रह नाइनटीन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक नाइनटीन और खेड़ा सत्याग्रह नाइनटीन उसके बाद नाइनटीन 19, 19 में आता है एन एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट परमानेंट एक्सटेंशन ऑफ़ ऑफ़ इंडिया एक्ट 1915 जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था उसको ब्लैक एक्ट बोला गांधी जी ने जिसको कॉमन नेम था रॉलेट एक्ट बिकॉज उसको सिडनी रॉलेट ने एक तरह से उसको कंपोज किया था उसमें रिकमेंडेशन अपने दिए थे उसमें यह था कि बिना एक तरह से ट्रायल के दो साल का इंप्रेशन हो सकता है ये उसमें प्रोविजन थे तो इसके खिलाफ सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किया रॉलेट सत्याग्रह जिसको बोला गया और हमें पता होना चाहिए कि होम रूल लीग जो 1916 में बनी थी उसमें उसको एक तरह से बंद करके उसमें नए या फिर हम बोल सकते हैं यंगर सेक्शन को इन्फ्यूज़ करके उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह में यूज़ किया और उस होम रूल लीग का जो बाल गंगा त्यक ने बनाई थी उसका नाम कन्वर्ट करके स्वराज्य सभा इसी टाइम पर रखा था देख हमें पता है फिर होता यह है कि छः अप्रैल को पहले बात तो लॉन्च होता है नाइन्थ अप्रैल को अरेस्ट होती है और किसकी सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल की और उस अरेस्ट का प्रोटेस्ट करने के लिए थर्टीनथ अप्रैल 1919 नाइनटीन को लोग अमृतसर के जलियावाला बाग में इकट्ठा होते हैं जहाँ पर रेगनाल डायर फायर के आदेश देता है और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है इस एक्शन को डायर माइकलो डायर जो था वो काफ़ी उसको सराहना करता है और यही कारण है कि उधम सिंह ने इसकी हत्या करी पहले वो रेगेनाल्ड डायर की भी हत्या करना चाहते थे मेनली तो वही टारगेट में था लेकिन तब तक वो मर चुका था 1940 तक इसके रिगार्डिंग एक मैं शॉट भी बनाऊंगा इंस्टाग्राम पे जो लोग कनेक्टेड है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है रेगेनाल्ड डायर ने आदेश दिए थे आपको पता होना चाहिए फिर इसका आफ्टर मैथ ये था कि गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने टाइगर जो नाइट हुड की उपाधि है वो लौटा दी थी उसके बाद गांधी जी ने जो खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था 1919 में जिसका लेना देना इंडिया से नहीं टर्की से था अली ब्रदर्श ने उसको लॉन्च किया था मौा मौलाना अली और, मौलाना अली और शौकत अली उसको लॉन्च करने के बाद ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए मैं बार बार रिवाइज इसी करा रहा हूँ अपने लिए नहीं आपके लिए करवा रहा हूँ ठीक है तो आप उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रखिएगा ये नहीं कि अरे ठीक है सर ये वो आपके लिए मैं करा रहा हूँ ताकि वो एकदम सेटल डाउन हो जाए आपके माइंड में चीज़ें ठीक है थीके? तो 1919 में खिलाफत कमेटी बनती है और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में जहाँ पे वो लोग नॉन कोऑपरेशन की बात करते कहते हैं तो गांधी जी ने उसमें कांग्रेस से भी उसमें अश्योरेंस चार कांग्रेस को भी बोला कि हम लोग भी इसमें करते हैं बट इनिशियल तो रेजिस्टेंस मिला बट बाद में कांग्रेस ने फेवर कर दिया कलकत्ता सेशन में देन नागपुर सेशन में इसको एंडोर्स किया और नागपुर सेशन में ये बोला कि अब हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद जिन्ना बेसंत ये सब रिजाइन कर देते हैं और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया नेशनल लिबरेशन फेडरेशन बना लेते हैं उसके बाद ये होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन लॉन्च होता है सारी चीज़ें सही चल रही थी और हमारे लोकल मूवमेंट भी स्टार्ट हो चुके थे जैसे एका मूवमेंट स्टार्ट हो गया था यूपी में अवध किसान मूवमेंट स्टार्ट हो गया था मिला रिवोल्ट मालाबार वाले रीजन में स्टार्ट हो गया था ठीक है करप्ट महंत को गुरुद्वारा से निकालने के लिए गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हो गया था बट नाइनटीन में सेकेंड फेबररी नाइनटीन ट्वेंटी टू को कुछ ऐसा होता है सॉरी फिफ्थ फेवरी नाइनटीन ट्वेंटी टू को कुछ ऐसा होता है कि गांधी जी को ये वापस लेना पड़ता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा जो कि गांव है गोरखपुर में वहाँ पे पुलिस स्टेशन में 22 लोगों को जिंदा जला डालती है कौन जो पब्लिक होती है भीड़ होती है वो तो इसको लेके वॉयेंस को लेके गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं और बरदौली जो सेशन होता है कांग्रेस का उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 में बनी थी पंद्रह मेंबर्स की उसने इसको वापस लेने के निर्देश दे दिए और यहाँ से हमने देखा था कि एक पोलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था कि भाई अब हम बॉयकॉट को कॉन्टिन्यू रखें या ना रखें तो जो बोल रहे थे कॉन्टिन्यू रखें उनको बोला गया नो no चेंजर्स और जो बोल रहे थे नहीं अब हमें काउंसिल में एंट्री मारनी चाहिए टू एंड और मेंड द काउंसिल या तो ख़त्म कर दो या उनको चेंज कर दो उनको बोला हमने प्रो चेंजर्स और उन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई उसके मेन आर्किटेक्ट से सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू बात खत्म ठीक नाइनटीन ट्वेंटी थ्री तक चीजें हो गई अब इसी टाइम पे जो है पैरलि सोशलिज्म इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा था नो वॉट इज सोशलिज्म समाजवाद ये कहता है कि भाई पूंजीवाद का उल्टा यानी पूंजीवाद को हटाओ यानी कि जो रिच क्लासेज हैं जो एक तरह से हम पर दमन कर रहे हैं उनके खिलाफ मास स्ट्रगल करो विद्रोह करो मास स्ट्रगल करो और ये जो थ्योरी है सबसे पहले किसने दी थी कार्ल मार्क्स ने ठीक है जो कि एक इकोनॉमिस्ट एक एक था कार्ल मार्क्स और उसने ही थ्योरी दी थी और उसने ये बोला था कि कोई धर्म नहीं होता कोई कुछ नहीं होता सिर्फ लोग होते हैं ठीक है थीके? और ये जो एक रिच क्लास है जो रूलिंग क्लास है इसको उखाड़ने का तरीका यही है मास स्ट्रगल ठीक है तो ये धीरे धीरे और खासकर क्योंकि अब यही अब सबसे पहले तो ये हमारी स्लाइड है कि रीजन फॉर सोशलिज्म तो ये रीजन है कि मार्क्सिज्म की जो फिलोसफी है वो इंडिया में अभी फैलने लगी थी और प्लस रशियन रेवोल्यूशंस को देख के इंडियन को इंडियंस को भी समझ में आ रहा था कि अगर हमें ओवरथ्रो करना है कॉलोनियल गवर्नमेंट को तो मास स्ट्रगल तो उसके लिए चाहिए ही चाहिए तो यहाँ पे सोशलिज्म इंडिया में समाजवाद फैलने लगता है अब ये किस तरह की फॉर्म लेता है वो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टीज तो कई सारी पहले तो पार्टीज बनती हैं जैसे कि एक तो पार्टी बनती है सी पी आई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये नाइनटीन ट्वेंटी उन्नीस सौ बीस में बनती है ताशकंद उजबेकिस्तान में ठीक है कहाँ बनती है एक सेकेंड ताशकंद उज्बेकिस्तान जो कि वहां की कैपिटल है मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ उज्बेक बट ये 1925 में फॉर्मलाइज होती है इस चीज़ को ध्यान रखना ठीक है थीके? 1925 में ये फॉर्मलाइज होती है कानपुर में फॉर्मलाइज इन कानपुर इसके आर्किटेक्ट कौन है यानी कि किसने इस पार्टी को बनाया था तो ये बनाया था मनीन्द्र नाथ रॉय एम एन रॉय इन शॉर्ट 1924 में ये पार्टी कुछ करती है और वह है कानपुर बॉल कॉन्स्पिरेसी केस इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है मैंने कानपुर बॉल को कॉल कर दिया ठीक <laughs> है तो कानपुर आ, कानपुर बॉल कॉन्स्पिरेसी केस तो इसके बारे में डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है सिर्फ ईयर पढ़ना है 1924. और अगर इसमें पूछ ले कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे शायद ही पूछे बट फिर भी यहां पे मैं लिख देता हूं नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट ऐसे दंगे मुजफ्फर अहमद शौकत मुजफ्फर अहमद शौकत उस्मानी नलिनी गुप्ता ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे कानपुर बलशवी कॉन्स्परेसी केस में 1929 में भी एक केस होता है और उसको बोलते हैं मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस तो ध्यान रख लेना कि कानपुर में 1924 को और मेरठ में 1929 को ठीक है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस ठीक है आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी और यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और भी पार्टीज बनी थी जैसे अगर हम बात करें एक सबसे पहला भारत का ट्रेड यूनियन बना था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये बना था 1920 में 1920 में इसको बनाते कौन है नारायण मल्हर जोशी जिनका नाम हम पहले भी देख चुके हैं अगर आपको याद हो मैंने बताया था हम लोग बाद में पढ़ेंगे ठीक है तो नारायण मल्हर जोशी हो गए लाला लाजपत राय हो गए दीवान चमन लाल हो गए ठीक है दीवान चमन लाल हो गए जोसेफ बाप्टिस्टा हो गए ठीक है जोसेफ बाप्टिस्टा बटिस्टा नहीं बाप्टिस्टा ठीक है तो ये लोग जो है मेन आर्किटेक्ट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के तो ये भारत का सबसे पहला या फिर सबसे पुराना ट्रेड यूनियन कांग्रेस है 1920 में जो बना था क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें कास्ट मूवमेंट्स इसी टाइम पे कुछ हो रहे थे डिफरेंट पार्ट्स में जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट अगर आपको याद आ रहा हो 1924 का टाइम है ना तो ये वही टाइम तो है ई वी रामास्वामी नायकर याद आ रहा है आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टेट बताएंगे कौन सा जहाँ पे इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है ई वी रामास्वामी स्वामी ठीक है ये लीड कर रहे थे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट उसी टाइम पे जस्टिस पार्टी भी फॉर्म हुई थी और उसी टाइम पे महध सत्याग्रह भी चल रहा था अगर आपको याद हो नॉर्थ इंडिया में महध सत्याग्रह कौन चला रहे थे ईयर बताइए जल्दी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ठीक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चला रहे थे इसको राइट और यह हुआ कब था 1927 में और इनको केरला में परियार के नाम से जाना जाता है तो ये कुछ कास्ट मूवमेंट हो रहे थे कुछ नॉवेल्स एंड बुक्स इसी टाइम पे लिखी गई थी जिन्होंने लोगों को इंस्पिरेशन या फिर यूथ को इंस्पायर किया था यूथ को रेवोल्यूशनाइज किया था सोशलिज्म की भावना सिखाई थी तो ये है सबसे पहले बंदी जीवन बंदी जीवन लिखा था सचिन सान्याल ने ठीक है सचिन सान्याल पाथर्ड अभी शरद शरद चंद्र चैटर्जी शरत चंद्र चैटर्जी ठीक है ये रट्टा वाला काम है सिंपल ठीक है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोहरा ठीक है भगवती चरण वोहरा ने ये लिखी थी तो ये कुछ ऐसी नॉवेल्स एंड बुक्स थी उस टाइम पे जिन्होंने यूथ को इंस्पायर किया था टू या तो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन करने के लिए या फिर मार्क्सिज्म का जो फिलोसफी है मार्क्सिज्म का ये फिलॉसफी है कि मास स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको यानी कि बहुत ही जनसैलाब चाहिए अगर उखाड़ फेंकना है गवर्नमेंट को तो फॉर्चुनेटली बोलिए फिर अनफॉर्चुनेटली आज भी आज भी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारे ग्रुप्स की यही फिलासफ़ी है पहले तो समझ में आता था ठीक है कि ब्रिटिशर्स को खाड़ फेंकना है और अभी भी जो गवर्नमेंट आती है चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो सब हो उनके खिलाफ भी ऐसे कुछ तत्व होते हैं ठीक है अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ आई कहाँ से जो आप सुनते रहते हो ना लेफ्टिस्ट लेफ्टिस्ट ठीक है लिबरल लिबरल करके आप सुनते रहते हो तो लेफ्टिस्ट का मतलब क्या है तो लेफ्टिस्ट वही होते हैं जो मार्क्स की फिलॉसफी पर बिलीव करते हैं कि जो गवर्नमेंट है ये हमारा भला नहीं सोचे कि हम भला अपना सोचते हैं और इनको हमें उखाड़ फेंकना है तो ये लेफ्टिस्ट फिलासफ़ी बोलती है जो आज भी प्रेवलेंट है ठीक है और कुछ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट है राइट तो सोशलिज्म के बारे में आपको सारी चीजें बता दी अब आते हैं कि किस तरह से सोशलिज्म स्प्रेड हुआ और क्या किस तरह की एक्टिविटीज हुई तो सबसे पहले हम रीजन वाइज देखेंगे एक तो नॉर्थ इंडिया का पंजाब यूपी बिहार वाला रीजन एंड देन हम उसके बाद आएंगे जो बंगाल वाला रीजन है तो सबसे पहले आते हैं पंजाब यूपी बिहार तो सबसे पहली जो चीज यहां पर हुई वो ही फॉर्मेशन ऑफ एच आर एच आर ए क्या है एच आर ए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये कब बनता है ये बनता है इन द ईयर 1924 1924 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है कौन बनाता है और कहाँ बनाते हैं तो ये हमारे बनाते हैं राम प्रसाद बिस्मिल नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं ठीक है राम प्रसाद बिस्मिल जोगेश चंद्र यहाँ पे इन शॉर्ट में जेसी लिख रहा हूँ जोगेश चंद्र चैटर्जी सचिन सान्याल ये मेन इसके आर्किटेक्ट थे और ये पार्टी बनती है नाइनटीन में कहां पे कानपुर में कानपुर में ही फॉर्मुलाइज हुई थी हमारी सीपीआई जो कि ताशकंद उजबेकिस्तान में बनी थी अब ये जो एच बनी तो इसने एक इंसिडेंट लीड किया एंड दैट इज काकोरी ट्रेन इंसिडेंट जिसको हम बोलते हैं या फिर इन शॉर्ट काकोरी इंसिडेंट पहले इसको काकोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से जाना जाता था तो, बट करेंटली गवर्नमेंट ने इसका नेम चेंज करके काकोरी इंसिडेंट कर दिया है 1925 में होता है एक जगह है काकोरी करके लखनऊ में वहाँ पे ये एक ट्रेन को जो भी एक्चुअली में एक ट्रेन जा रही थी यहाँ से जाना था काकोरी से होके और उसमें बहुत सारा असलाह भरा हुआ था एक तरह से आर्मरी भरी हुई थी तो उसको लूटना या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि उसको लेना उसको कब्जे में लेना मेन टारगेट था एच पार्टी के जो लोग थे उनका नाइनटीन में तो ये जब होता है ठीक है तो इसमें मेन पहली बात तो ये ये ट्वेंटी फाइव में होता है तो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और जो इसमें इन्वॉल्व थे उनमें से काफ़ी लोग तो भाग निकलते हैं कुछ लोगों को लाइफ इम्प्रजनमेंट हो जाता है और कुछ लोगों को आई थिंक तीन चार लोगों को इसमें डेथ हुई थी यानी कि फांसी की सज़ा हुई थी उनमें से आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे अशफाकुल्ला खान थे ठीक है अशफाकुल्ला खान थे रोशन सिंह थे इन लोगों को फांसी की सजा हुई थी हमें याद क्या रखना है हमें ये याद रखना है कि एच आर में बनी कानपुर में बनी किसने बनाई राम प्रसाद बिस्मिल जेसी चैटर्जी और काकोरी ट्रेन इंसिडेंट कब हुआ 1925 बात खत्म क्वेश्चन यहीं से आएगा एच कब बनी 1924 काकोरी अगले साल 1925 ठीक अब जब इन लोगों को फांसी वगैरह हो गई सारी चीज़ें हो गई तो इसको फिर से रीग्रुप करने की कोशिश करी यंगर सेक्शन ने हमारे जिसमें कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु राजगु, चंद्रशेखर आजाद ये लोग इन्वॉल्व हैं तो जो एच पार्टी अभी हमने पढ़ा जो उन्नीस में बनी यह ट्रांसफॉर्म होती है एच एस आर ए में बस ये जो एस है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया दैट मीन सोशलिस्ट ठीक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इस पार्टी का नाम है यह पार्टी बनती है 1928 जस्ट चार साल बाद कहाँ पे फिरोज शाह कोटला ठीक है फिरोज शाह कोटला पहले स्टेडियम में होता था जिसका नाम अभी आपको पता है कि अरुण जेटली स्टेडियम हो चुका है तो यहां पे यह पार्टी बनती है और कौन बनाते हैं तो मेन थे इसमें चंद्रशेखर आजाद इनका नाम आप याद रखिएगा पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें ठीक है चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह भी हैं ठीक है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इसके फॉर्मेशन पे अब ये लोग जो हैं एक्शंस लेंगे जैसे कि एच बनी काकोरी किया 25 में अब ये लोग भी कुछ करेंगे देखते हैं क्या क्या, क्या करते हैं तो सबसे पहले तो इन लोगों ने मान, ये पहली बात तो अडॉप्ट मान लिया था देखिए 1926 में एक और पार्टी बनती है आपको बताता नाइनटीन तो, 1926 में ये है पंजाब नौजवान भारत सभा पंजाब नौजवान भारत सभा और ये बनाई थी भगत सिंह जी ने और इसमें मेन इन्होंने ये चीज को एक्सेप्ट किया था कि हाँ अगर हमें कोई भी कर, चीज करनी है फिर मतलब गवर्नमेंट उखाड़ फेंकना है तो हमें उसके लिए मास रिवोल्ट चाहिए ही होगा लेकिन कुछ ऐसा हुआ 1928 में विच लेड देम टू लीड एन इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन मतलब मास स्ट्रगल नहीं अकेले ही जाएंगे मार के आएंगे 1928 में अभी हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन आया था तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्यों आया था कैसे आया था कब आया था ठीक है 1928 में जब आता है तो इंडिया में उसके बहुत प्रदर्शन होते हैं साइमन गो बैक के नारे लगते हैं और उस प्रदर्शन को लीड मेनली कर रहे थे लाला लाजपत राय सॉरी चलिए तो लाला लाजपत राय ठीक है तो ये लीड कर रहे थे और इनकी हत्या हो गई कैसे मतलब इनको लाठी चार्ज हुआ इन पर और वो लाठी चार्ज जेम्स स्कॉट ने किया मेनली ठीक है जेम्स स्कॉट ने जब ये लाठी चार्ज किया तो इनकी डेथ हो गई और इसका बदला लेने का सोचा भगत सिंह ने क्यों क्योंकि लाला लाजपत राय को अपना आइडल मानते थे वो और जब आइडल मानते थे और एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी की हत्या की जाना और एक ऑफिसर जो ब्रिटिश ऑफिसर उसके हाथों ये इन लोगों को मंजूर नहीं था और ये चीज इन लोगों ने बाद में एक्सेप्ट भी करी कि क्यों हमने उसकी हत्या नहीं करना चाहते थे बट एक्चुअल में नाइनटीन में अगर हम बात करें तो भगत सिंह जी ने ठीक है सुखदेव जी ने ठीक है सुखदेव थापड़ इनका पूरा नाम था और राजगुरु इन लोगों ने राजगुरु किल्ड सॉन्डर्स यानी स्कॉट ने मारा था लाला लाजपत राय को और सॉन्डर्स को मारा इन लोगों ने बिकॉज वो पहचान नहीं पाए थे उनको लगा यही स्कॉट है और गलती से सॉन्डर्स मर गया और एक इंडियन पुलिस मैन भी था वो भी मारा जाता है तो 19 ये होता है ठीक है ना किस किस तरह से चीजें हो रही आप समझिए एच आर ए नाइनटीन ट्वेंटी फोर Uh, कोरी uh, 1925 देन अच्छा सारे 1928 में फिर रीग्रुप होती है 1926 में ध्यान रखना वो उसका तो ऐसा ज्यादा कोई लिंकेज नहीं है पंजाब नौजवान भारत सभा का देन उसके बाद हमें देखते हैं कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु हत्या करते हैं सॉन्डर्स की ठीक है बट मारना स्कॉट को चाहते थे देन इन द ईयर नाइनटीन ट्वेंटी में दे बॉम्ब्ड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका किसने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने ठीक है भगत सिंह यहां पे 1928 करिएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बटुकेश्वर दत्त इन लोगों ने बॉम्ब फेंका क्यों फेंका बॉम्ब कुछ तो रीजन होगा तो एक्चुअल में पब्लिक सेफ्टी बिल आया था याद आ रहा है मैंने जो बताया था पिछले लेक्चर में कि प्रो चेंजर्स यानी स्वराज पार्टी जो काउंसिल में एंट्री लेके गई थी उसका मेन एक तरह से अचीवमेंट हम यही मान सकते हैं कि जो पब्लिक सेफ्टी बिल आया था ठीक है उसको डिफीट करने में तो पब्लिक सेफ्टी बिल था किस बारे में था इस बारे में कि अगर कोई भी फॉरेनर आएगा तो उसको तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा भगा दिया जाएगा यहाँ से तो उसी के खिलाफ था और ये कोई हाम या फिर किल करने के लिए लोगों को मारने के लिए नहीं था जो लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए थे केंद्रीय विधानसभा में बैठे हुए थे तो उनको मारने के लिए नहीं था उनका मेन टारगेट था टू मेक दी डेफ हेयर यानी कि जो बहरे हो गए ब्रिटिशर्स हैं उनको ताकि कुछ सुनाई दे कि हमारी आवाज़ क्या है तो वो उनका मेन पर्पज था ये जो होता है यानी जो इसकी किलिंग होती है वो लाहौर में होती है और यहाँ पे अब इनका चलता है ट्रायल तीनों लोगों का भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जी का और इसको हम बोलते हैं लाहौर कॉन्स्परेसी केस और लाहौर कॉन्स्परेसी केस में ट्वेंटी मार्च नाइनटीन को इन लोगों को फांसी हो जाती है यानी कि हमारे जो भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जी हैं दे मार वो शहीद हो गए हमारे देश के लिए और इसी दिन को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं मार्टायर्स डे के रूप में भी मनाते हैं ठीक तेईस मार्च उन्नीस को इनको फांसी की सजा होती है तो ये कुछ सीरीज ऑफ इवेंट हुए हैं जो सोशलिस्टिक चीजें हमें दिखा रहे हैं अब इसके बाद आते हैं हम जो बंगाल वाला रीजन है और इसके बाद अगर किसी कोई डाउट होगा तो वो बताएगा देन उसके बाद हम साइमन कमीशन की तरफ बढ़ेंगे बंगाल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड कंडक्ट करी जाती है जिसको हम चिटगोंग आर्मरी रेड के नाम से जानते हैं चिटगोंग आर्मरी रेड ठीक है चिटगोंग आर्मरी रेड आर्मरी का मतलब होता है एक तरह से शस्त्रागार ठीक है शस्त्रागार जहां पे शस्त्र रखे रहते हैं जहां पे असलाह पूरा एक तरह से बंदूकें वगैरह रखी रहती हैं तो इसको लीड किया था इन द ईयर 1930, ठीक है तो ध्यान रखना इसको लीड किया था इन द ईयर थर्टी यहां पर लिख देता हूं 1930 में घटना हुई थी 1929 में ऐसे पूरा एकदम रिलेट करके चलो अपने दिमाग में 24 एच 25 का कोरी 28 एच एस आर फिर सॉन्डस की हथा उनतीस सेंट्रल असेंबली में बम फेंका उन्नीस सौ तीस चिट्टोंग आर्मी रिलेड इसको लीड किया बंगाल में सूर्यसेन ने प्रेजेंट डे बांग्लादेश में पड़ता है ठीक है ये मैंने आपको तब भी बताया था जब लोगों ने जी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में देखा था किसने बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड और बीच बीच में जो रुकने के लिए जगह बनाई थी उनको क्या बोला जाता है कॉमेंट में बताएंगे तो सूर्यसेन जिनको कि मास्टर दा के नाम से भी जानते क्योंकि एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में इन्होंने इसको लीड किया सक्सेसफुल भी रहे बट इनको पकड़ लिया गया 1933 में एक्चुअली मतलब काफ़ी टाइम तक इन्होंने लीड किया ठीक है और आर्मी को पूरा घेर लिया और विमेंस को इसमें जो मेन चीज़ थी ना वो था वेमेन का पार्टिसिपेशन उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया फूड सप्लाई किया और कुछ भी जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें इन्होंने पहुँचाई ठीक है और इनका ये मेन काम था कि भाई जो भी साइज सप्लाईज है जहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट कनेक्ट कर सकती है अपनी जो बाहरी सरकार है उससे उस सबको कट कर देना ठीक है और आर्मरी पर पूरा कंट्रोल कर लेना बट फाइनली नाइनटीन को इनको फांसी की सजा हो जाती है सूर्य सेन को वो हमें याद नहीं रखना कब होता है बस हमें याद रखना 1930 को ये आर्मी रेड होती है और इसमें कौन ये आप देख भी सकते हैं ये फोटो चिटगा आर्मी रेड की है और इसमें जो हमारी विमेन है उस उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा था प्रीति लता वड्डेदार ये नाम याद रखिएगा ठीक है प्रीति लता वड्डेदार कल्पना दत्त कल्पना दत्त सुनीति चंदेरी ठीक है बीना दास इनमें से तो एक जो हमारी थी उन्होंने मतलब उनका कॉन्वेकेशन सेरेमनी होता है ना डिग्री लेने का तो उन्होंने डिग्री लेते वक्त ही एक को शूट कर दिया था खैर तो ये आपको नाम पता होने चाहिए और यहाँ पर मैंने पूछा था वो जी रोड तो किसने बनवाई थी तो मैंने देखा तो हमारे किसने हराया था बैटल ऑफ चौस और कन्नौज में शेर सूरी ने और जो बीच में कंस्ट्रक्ट किए गए थे वो सराइज़ गए थे उनको सराई ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा बिकॉज देन इसके बाद हम बढ़ेंगे साइमन कमीशन की ओर किसी का कोई डाउट यहाँ तक बिल्कुल सही और वो सराई है प्रीतिलता बर्थे मतलब क्या लिख रहा है प्रीति लता वडेदार है वो ठीक है वड्डेदार हरिशद कौशिक है शिवानी गुप्ता बेटा शिवानी गुप्ता मत करो यहाँ पढ़ लो प्रीति लता वड्डेदार और कल्पना दत्त तो सुनीति चंडे जी है और आगे किसी किसी को डाउट हो तो पूछ लो ओके क्लियर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी अब हम बढ़ते हैं साइमन कमीशन की ओर ये साइमन कमीशन है क्या तो आपको कुछ याद है कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन को किस नाम से जानते हैं कोई बताएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन को किस नाम से जानते हैं <coughs> तो इसको हम जानते हैं मॉन्टेगू चल्स फॉर रिफॉर्म्स के नाम से अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको क्यों बता रहा हूं पता नहीं <laughs> तो इसलिए बता रहा बिकॉज इसमें एक प्रोविजन था कि दस साल बाद यानी कि आफ्टर टेन ईयर्स एक कमीशन बनेगा इसमें लिखा था कि आज से दस साल बाद एक कमीशन बनेगा और वो ये देखेगा कि ये ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में कितना काम किया और कितना काम करने की जरूरत है ठीक तो कुछ पहले इसको रिवाइज कर लें थोड़ा सा तीन चीज़ें बताई थी डायरकेट यानी कि शासन प्रोविंसेज में बाई कैमरल लेजिसलेचर यानी दुई सदनी विधानमंडल एट सेंटर एंड इट एक्सटेंडेड दी सेपरेट इलेक्टोरेट्स ठीक तो दस साल बाद कमीशन बनने की बात हुई है लेकिन ये तो लोग थोड़ा सा हेस्टीनेस के चक्कर में ब्रिटिशर्स को क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट जो चल रही थी उस समय वो थोड़ा जल्दी में थी तो उसने नाइन आ, मतलब अगर हम दस साल बाद देखें तो उन्नीस होना चाहिए बट उन्होंने उन्नीस में ही एक कमीशन बिठा दिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ साइमन जॉन साइमन उसका नाम था तो इसलिए इस कमीशन का नाम पड़ा साइमन कमीशन साइमन कमीशन बनता है 1927 में जब ये बनता है तो उस समय प्राइम मिनिस्टर अगर कभी पूछ ले कि कौन था कहां पे ब्रिटेन में तो ही वॉज स्टैनले बाल्डविन ठीक है स्टैनले बाल्डविन फिर ये कमीशन भेजा जाता है इंडिया कब आता है 1928 में हर वर्ग विरोध करता है एक्सेप्शन है जैसे कि एक पार्टी थी फजल हसैन ने बनाई थी वो विरोध नहीं कर रही थी ज, और जस्टिस पार्टी थी नीचे वो विरोध नहीं कर रही थी साउथ इंडिया में हिंदू महासभा थी वो विरोध नहीं कर रही थी तो वो एक्सेप्शन है कुछ बट ओवरऑल सभी लोग इसका विरोध कर रहे थे और साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे साइमन साइमन वापस जाओ अब ये क्वेश्चन बनता है कि क्यों क्यों इतना भयंकर विरोध हो रहा था और इसी कमीशन के जो प्रोटेस्ट हुए थे उसी में लाला लाजपत राय जी की डेथ भी होती है हमने देखा भी इसका रीजन ये है मेनली क्योंकि इट वाज अ सेवन मेंबर कमीशन ये सात सदस्यीय समिति थी तो इसमें क्या दिक्कत है सात से क्या मैं नफरत थी सात नंबर से बिल्कुल नहीं सेवन मेंबर कमीशन था इससे दिक्कत नहीं थी ये दिक्कत ये थी कि जितने की जितने सेवन थे दे वर ऑल वाइट यानी कि सारे ब्रिटिशर थे यानी कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पे कमीशन भेज रहे हैं और उसमें इंडियन ही नहीं है मतलब ये तो वही हो गया कि हम आपके घर के बारे में बता रहे हैं कि आपके घर में ये होना चाहिए वो होना चाहिए और हम आप, आपकी ही सलाह ना लें कि आपके आपके घर के बारे में सब कुछ बता डालें कि ये करना वो करना और आपकी सलाह ही ना लें हम तो वो तो एकदम फालतू वाली बात हो गई कि आप हमारे लिए कमीशन भेज रहे हो जो हमारे आगे फर्दर रिफॉर्म्स हमारे आगे चीज़ों के बारे में बताएगा और हम हमें ही नहीं पार्टिसिपेशन दे रहे हो उसमें सेवन मेंबर्स हैं और सारे उसमें ब्रिटिशर हैं इसलिए इसका भयंकर विरोध हुआ और इसी वजह से इसकी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई वो ज़्यादा कोई मायने रखती भी नहीं बिकॉज उसको एक्सेप्ट किया भी नहीं गया अब ये जो सेवन मेंबर कमीशन है ऑल वाइट जो कमीशन है इसको लेके कुछ रिस्पॉन्स दिखता है ग्राउंड लेवल पे तो उन्हें बता दिया लोग साइमन गोबैक के नारे लगा रहे थे बट एक्चुअल में हुआ क्या कि उस समय सेक्रेटरी हुआ हो था होता था, था उस समय बर्किन हैड लॉर्ड नहीं लगाएंगे इनके नाम के आगे ठीक तो बर्किन हेड ने चैलेंज दिया एक कि इंडियंस में एक कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपना खुद से कुछ हमें बता सके कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए फिर अपना खुद से कॉन्स्टिट्यूशन बना ले तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नेहरू रिपोर्ट बन छोड़ो नेहरू रिपोर्ट एक कमीशन आता है या एक हम बोल सकते हैं एक कमिटी बनती है और उसमें डिसाइड कांग्रेस की मेनली और उसमें डिसाइड किया जाता है कि हम एक खुद का एक रिपोर्ट पब्लिश करेंगे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू और क्योंकि अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू था ये तो जो रिपोर्ट पब्लिश हुई उसको हमने बोला नेहरू रिपोर्ट जैसे कि साइमन कमीशन को साइमन कमीशन क्यों बोला बिकॉज साइमन उसका चेयरमैन था तो ध्यान रखना अगर कभी ये क्वेश्चन बन जाए कि नेहरू रिपोर्ट पहली बार तो कब आई उन्नीस जब साइमन कमीशन आया और नेहरू रिपोर्ट में कि चेयरमैन कौन थे अगर पूछ लेगा तो तुम तुरंत मार दोगे जवाहरलाल नेहरू लेकिन ना उनके पिता थे मोतीलाल नेहरू उन्होंने इसको उसकी चेयरमैनशिप करी थी अब इसमें क्या क्या रिपोर्ट में था वो मैं रट लिखवा नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ फिर जो लोग मतलब फर्दर एग्जाम्स की प्रिपरेशन वगैरह अगर कर, कर रहे हैं पी वगैरह की तो वो लिख सकते हैं उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बाकी ऐसे सीख ले तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि इसमें था कि सेपरेट इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचन खत्म किए जाएँ बताओ कब स्टार्ट हुए थे जल्दी से कॉमेंट में उनको खत्म किया जाए हम डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हैं डोमिनियन स्टेटस का मतलब मैं समझा देता हूं बिकॉज आगे इस टर्म का यूज करेंगे हम लोग डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि ठीक है आप रूल करो हम आपकी अथॉरिटी को आपकी सोवरिटी हम एक्सेप्ट करेंगे लेकिन सरकार हमारी होनी चाहिए गवर्नमेंट हमारी होनी चाहिए ये होता है डोमिनियन स्टेटस कि भले आप हमारे कंट्री में रूल कर रहे हो लेकिन गवर्नमेंट तो हमारी होनी चाहिए दैट इज डोमिनियन स्टेटस ये इनकी मांग थी कि मतलब एक तरह से वो ये सेपरेट इलेक्ट्रेट हटाओ और डोमिनियन स्टेटस की मांग इन्होंने करी थी ये मेन दो इनके वो थे और साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है काफी बाद में आती है अगर मैं बात करूं तो मई 1930 में जाके पब्लिश होती है साइमन कमीशन की रिपोर्ट और उसमें ये चीजें थी कि हम प्रोविंसेस से डायर की अबॉलिश कर देंगे याद है उन्नीस में अभी देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोल रहा था डायर की लाएंगे प्रोविसेज में वो बोला हम कि खत्म कर देंगे हम एक फेडरेशन सेटअप करेंगे जल्दी नहीं लेकिन हाँ बहुत आगे हम जाके एक फेडरेशन सेटअप करेंगे फेडरेशन मतलब ये कि एक सेंटर होगा और डिफरेंट स्टेट होंगे राज्य होंगे वो सारी चीज़ें तो वो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन थी और नेहरू रिपोर्ट के मैंने दो इंपॉर्टेंट वाले आपको बता दिए ठीक है अगर पी वगैरह भी आएगा तो फिर एस में अगर फॉर एग्जाम्पल पूछ ले तो भी आपके आराम से इन दो से आराम से एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है क्लियर है यहाँ तक मैं फिर से रिपीट करता हूँ याद का रखना है याद ये रखना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया उन्नीस में कितने सदस्य थे सात सारे अंग्रेज थे इसमें कोई इंडियन नहीं था इसके रिस्पॉन्स में नेहरू रिपोर्ट पब्लिश होती उन्नीस सौ में बट इससे पहले नेहरू रिपोर्ट आने से पहले मुस्लिम लीग ने अपने डेली प्रपोजल्स भी दिए थे ध्यान रखना अगर कभी पूछ ले कि डेली प्रपोजल्स किसने दिए थे तो ये मुस्लिम लीग ने दिए थे और मुस्लिम लीग से हट के जिन्ना उछल कूद मचा रहा था अपना और इसने अपने 14 पॉइंट्स दिए जिनको हम जिन्नास 14 पॉइंट्स बोलते हैं तो ये सारी चीज़ें इन रिस्पॉस टू तो साइमन कमीशन ही हुई थी चाहे जिन्ना ने अपने चार क्योंकि मेन ये था कि कांग्रेस ने अपने ये नेहरू रिपोर्ट दी तो जिन्ना का क्या था ना कि इन्होंने दी तो हम भी कुछ करेंगे अलग से हम कुछ करेंगे भाव को देता नहीं तो अलग से हम कुछ करेंगे फोर्टीन पॉइंट अपने दे डाले क्या हमें पढ़ने हैं नहीं जैसे जिन्ना को हम इग्नोर करते हैं वैसे उसके फोर्टीन पॉइंट्स को भी इग्नोर करेंगे बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है अब आते हैं कैलकटाजेशन ऑफ कांग्रेस बट एक्चुअल में सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कभी पूछ ले कि मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस के बारे में तो मद्रास में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का ठीक है मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस यहां पे इन लोगों ने मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस में ये डिसाइड हुआ था कि हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे एम ए अंसारी की ये चेयरमैनशिप में हुआ था ठीक है और इसी में डिसाइड किया गया था कि हम बॉयकॉट करेंगे उसका अभी तक मैंने एस एस में क्वेश्चन नहीं देखा जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया हो तो देख लीजिए अपने हिसाब से उतना ज्यादा रटिए नहीं थोड़ा सा देख लीजिए ठीक है देन आते हैं कैलकटाजेशन ऑफ कांग्रेस में इसके बाद जो अगला होता है उसमें होता है कैलकटाइजेशन कांग्रेस में और इसमें नेहरू रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि हर चीज फॉर्मल तरीके से होती है। थी कि हाँ भाई नेहरू रिपोर्ट है इसको हम एक्सेप्ट करते हैं ये नेहरू रिपोर्ट ये सारे बस इसमें हमें इतना ही पढ़ना है कि नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई कलकटाजेशन में अब इरविन ने जो उस समय वॉइस रॉय हुआ करता था इंडियन में इंडिया में उसका नाम इरविन था और वो कुछ डिक्लेरेशन करता है करता है कि देखो भाई ऐसा ऐसा है कि साइमन ने तो अपनी रिपोर्ट रिपोर्ट दे दी है अब आप लोगों का जो थोड़ा सा दिक्कत विक्कत है तो डिस्कस करने के लिए लंदन में आ जाओ लंदन में हम गोलमेज सम्मेलन करवाएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाएंगे वहाँ आप लोगों का स्वागत भी खूब करेंगे अच्छे से एकदम खूब मज़ा आ जाएगा आपको समझ रहे हो मतलब खाने का भी होगा और बाकी भी प्रोग्राम होंगे तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है लंदन में ऑर्गेनाइज़ करने का डिक्लेरेशन करता है एरवे ठीक बट कांग्रेस वॉज इन नो मूड कांग्रेस वॉज इन नो मूड तो कांग्रेस एक डेली मैनिफेस्टो पब्लिश करती है जब भी कैलका सेशन हुआ था कांग्रेस का तो इसमें जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हो गए सुभाष चंद्र बोस जो थोड़ा यंगर सेक्शन है उन्होंने बोला कि अब हम अब नहीं चलेगा अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब हमें गोल्ड डिक्लेयर करना है पूर्ण स्वराज चाहिए हमें तो जो थोड़े बड़े लोग थे गांधी जी मोतीलाल नेहरू ये थोड़ा समझाते हैं उन लोगों को कि देखो बड़ी मुश्किल से तो डोमिनियन स्टेटस पे हमने अपनी सेंस वो बनाई है डोमिनियन स्टेटस पे कंसेंसस बनाई है कि ठीक है हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए मतलब मैं आपको बता चुका हूँ पहले अब हम इस पर जल्दी जल्दी से उछल जाएंगे तो वो सही नहीं रहेगा तो बोलते हैं नहीं नहीं तो फिर ये एक बात सेट हुई सभी लोगों में कि ठीक है एक साल का अल्टीमेटम इनको देते हैं अगर एक साल में डोमिनियन स्टेटस नहीं देते हैं देन हमारा गोल अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा तो डेली मैनिफेस्टो में ये क्या है डेली प्रपोजल अलग है वो मुस्लिम लीग ने दिया था साइमन uh, कमीशन के इस रिस्पॉन्स में डेली मैनिफेस्टो ये कांग्रेस ने निकाले डेली मैनिफेस्टो इसमें क्या था कि हमें भाई ये चाहिए ये, ये हमारी डिमांड है कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे जब तक हमारी डिमांड्स मीट नहीं होंगी जैसे कि हमें डोमिनियन स्टेटस मेनली चाहिए था और भी चीजें थी जब ये डेली मैनिफेस्टो इिवेंट के पास प्रेजेंट किया गया तो इसने मना कर दिया कि ये सब नहीं हो पाएगा और डेली मैनिफेस्टो में, में ये था कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है गोलमेज सम्मेलन उसमें ये डिस्कशन होना चाहिए इस पर कि डोमिनियन स्टेटस कब लागू होगा कब लागू होगा ना कि लागू होगा कि नहीं होगा ये ये डिस्कशन नहीं होना चाहिए ये होना चाहिए कब होगा तो बोलता नहीं ये पॉइंट तो नहीं डिस्कस होगा वीडियो में बोलता ये तो मैटर नहीं है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का तो बोल तो फिर ये लोग लौट गए और जब लौट गए तो अगेन अगेन जो है अब लाहौर सेशन को देख लेते हैं तो उसके बाद गांधी जी की इलेवन डिमांड्स तो so, लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का 1929 में उन्नीस में दिसंबर में ये लोग भड़के हुए थे कांग्रेस वाले अब इन्होंने सबसे पहले इसके चेयरमैनशिप किसने करी इसके प्रेसिडेंट प्रेसाइड किसने किया जवाहरलाल नेहरू ठीक है ये गांधी जी की सपोर्ट से मेनली प्रेसिडेंट बने थे क्योंकि जो प्रोविंशियल कमेटी से उन्होंने मतलब विरोध किया था बट खैर हमें उसे क्या लेने देना प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है गोलमेज सम्मेलन उसका हम बॉयकॉट करेंगे नहीं जाएंगे उसमें लंडन में दूसरा दूसरा यह था अब हमारा जो गोल है कांग्रेस का जो गोल है वो पूर्ण स्वराज है क्यों क्योंकि याद करिए ये जो सेशन होता है कलकत्ता का ये दिसंबर 1930 में होता है एक साल का अल्टीमेटम फिक्स हुआ था अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर एक साल बाद हम गोल अपना जो है पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे और वो वक्त आ चुका है लाहौर सेशन उन्नीस ठीक है यहाँ पे उन्नीस सौ यहाँ पे अट्ठाईस करिए ठीक है उन्नीस सौ एक्चुअल में जो मद्रास सेशन हुआ था ना ये भी उन्नीस कहाँ गया मद्रास सेशन ये भी उन्नीस में हुआ था सर दो दो सेशन ये स्पेशल सेशन बुलाया गया था मद्रास वाला ठीक है मद्रास वाला स्पेशल सेशन जो होते थे कि इमरजेंसी सिचुएशन पे ऐसे समझ सकते हो ठीक है देन एक साल हो चुका था अब 1929 में जो लाहौर का सेशन होता है एक साल बाद उसमें गोला पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया जाता है जी थर्ड पॉइंट इज थर्ड पॉइंट ये था सबसे पहले दैट वॉज कि ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को हम अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और दिसंबर 1930 को रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया विद दी ऑफ जिंदाबाद किसने फहराया मे जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1930 को तो आज से कितने साल पहले हो की बात हो रही है जल्दी से बताइए तो ये सारी चीजें लाहौर सेशन में हुई कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकआउट करेंगे पूर्ण स्वराज हमारा गोल है 26 जनवरी को हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और रावी नदी के तट पर झंडा फहराया और फोर्थ पॉइंट कि हम लॉन्च करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सी डी एम सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको हिंदी में बोलते हैं अब ये लॉन्च करने से पहले गांधी जी ने अगेन एक अल्टीमेटम दिया कि बेटा ये हमारी ग्यारह डिमांड है ब्रिटिशर से बोला और तुमको हम अल्टीमेटम दे रहे हैं इकतीस जनवरी 1930 का मानना है तो मान जाओ नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा भाव ही नहीं दिया किसी ने ब्रिटिशर ने गांधी जी बोलते अच्छा अभी बताते हैं लॉन्च करते हैं भी डांडी मार्च डांडी मार्च लॉन्च कर दिया गांधी जी ने कब बारह मार्च को अब इसमें यह बात आती है कि डांडी मार्च क्यों बोलते हैं गांधी जी डंडी लेके चले थे इसलिए बात तो सही गांधी जी एक डंडी लेके चले थे मतलब एक अपना जो सहारा एक तरह से लाठी में बोल सकते हैं लेकिन डांडी एक जगह है गांधी जी ने मार्च स्टार्ट किया था मार्च मार्च बोलते हैं, मार्च बोलते में स्टार्ट हुआ था यह भी बात सही कि मार्च में स्टार्ट हुआ था देखो यहां पे। लेकिन मार्च का मतलब है पैदल यात्रा तो यह जो पैदल यात्रा है साबरमती से लेके डांडी तक होनी थी साबरमती से लेके डांडी तक और यहां पे सॉल्ट लॉ को वॉयलेट करना था सोल्ट लॉ क्या था कि मतलब एक तरह से टैक्स नहीं देंगे सोल्ट में सोल्ट को ही गांधी जी ने थीम क्यों चुना था क्योंकि सोल्ट एक ऐसी नमक एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई यूज करता है चाहे ऊपर वाला या अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास हो सब कोई तो सोल्ट लॉ को वॉलेट करने का यहां पर डिसीजन लिया था गांधी जी ने और साबरमती से डांडी तक मार्च किया अलॉन्ग विद सेवेंटी एट डेलीगेट कांग्रेस के पहले सेशन में कितने डेलीगेट थे बहत्तर गांधी जी के साथ मार्च किया अठहत्तर और यह मार्च खत्म होता है टिल कब तक चलता है चार अप्रैल तक जब ये पहुंच जाते हैं डांडी में और ये काफी फेमस इसको यहां तक कि जो फॉरेन न्यूज एजेंसीज हैं वो भी इसको कवर करती हैं ये टोटल अगर कभी जर्नी पूछ ले तो 240 मील की जर्नी थी 240 माइल्स की जर्नी थी सॉल्ट को यहां पे वॉयलेट किया गया था अब गांधी जी ने बोला कि हम जो धारसाना है ना जगह वहां पे रेड करेंगे सोल्ट जो वर्क होते हैं वहां पे वहां पे रेड करेंगे इससे जब ये इन्होंने अनाउंस किया गांधी जी ने तुरंत इनको कर लिया गया अरेस्ट गांधी जी हो जाते हैं अरेस्ट चार मई को इनको हो जाती है जेल और जब चार मई को हो जाती है जेल तब अब स्प्रेड होगा सोल्ट डिसोबीडियंस का कौन करेगा ये काम आगे का संभालेंगे कांग्रेस वर्किंग कमिटीज गांधी जी के साफ निर्देश थे इससे पहले ही कि अगर जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब में हैं रिजाइन कर सकते हैं कर दीजिए टैक्स मत पे कीजिए टैक्स मत पे, पे कीजिए जो ब्रिटिशर है उनको ठीक है और उनकी अरेस्ट के बाद जो भी लोकल लीडर्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी अगर आपको याद हो 1920 नागपुर सेशन में बनी थी 15 मेंबर्स की उसने बोला तीन निर्देश दिए रैत एरियाज में क्या होना है जमींदारी और सेंट्रल प्रोविंस बता चुके हैं आपको कि जमींदारी क्या होता है रेतवाड़ी क्या होता है, है महालवाड़ी क्या होता है सारी चीजें तो रेतवाड़ी अगर एरियाज में बोलता हूं कौन से एरियाज तो जमींदारी पहले ऊपर था रेतवाड़ी नीचे आ गया मद्रास और बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूं मद्रास मेनली तो रैत एरियाज में क्या करना है हमें यहां पर नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी रेवेन्यू नहीं देना है रेवेन्यू नहीं भरना है जमींदारी करना है नो चौकीदार टैक्स कैंपेन यहां पे लॉन्च कर दिया चौकीदार टैक्स जो पड़ते होता था चौकीदार कैसे लिख दिया मैंने तो चौकीदार टैक्स नहीं देना है अभी ठीक है यह डिसाइड हुआ यहां पे। नो चौकीदार टैक्स कैंपेन ठीक है यहां पे मैं इन शॉर्ट टैक्स लेकर रहा हूँ ठीक है सेंट्रल प्रोविंस में डिफाइंस ऑफ फॉरेस्ट लॉज तो सेंट्रल प्रोविंस में फॉरेस्ट लॉज को वॉलेट करना है ये जो है अनाउंस किया ठीक थोड़ी सी रटने वाली चीज है डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डायरेक्शन दिए गए और डिफरेंट लीडर्स थे वो हमें देखने कि डिफरेंट स्टेट में कौन कौन कहाँ से लीड कर रहा था सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को और ये काफी इंपॉर्टेंट है ठीक तो आगे बढ़ते हैं तो तमिलनाडु में अगर बात करें तो कौन लीड कर रहा था सी राजगोपालाचारी लीड कर रहे थे बस हमें लीडर पता होना चाहिए सी राजगोपालाचारी मा, मालाबार से के 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 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अगर आपको याद आ रहा हो एक सत्याग्रह मैंने आपको बताया था वो कौन सा सत्याग्रह था जो बीस से स्टार्ट होता है बताइए जल्दी से अगर गेस्ट कर, कर सकते हैं तो और उड़ीसा से गोपाल बंधु गोपाल बंधु चौधरी ठीक है और बिहार से अंबिका कांत सिन्हा अंबिका कांत सिन्हा और यहां पे नाखस पॉन्ड को जो है साइट चूज की गई थी एज टू द दॉल्ट लॉ नाखस पॉन्ड ठीक है मेनली क्योंकि सॉल्ट जो है कोस्टल इलाकों में ही बनता है बिहार तो हमारा लैंडलॉर्क स्टेट है ठीक है और कोई मतलब इस तरह से ओशन तो है नहीं आसपास तो इसलिए वहां पे नाखस पोंड को चूज किया गया था एज अ सिंबल और यहां पे ने कुछ क्वेश्चन पूछा था वैकॉम सत्याग्रह ठीक है वैकॉम सत्याग्रह को लीड किया था ठीक है पेशावर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे लीड किया था हमारे खान अब्दुल गफार खान ने बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ठीक है खान अब्दुल गफार खान ये आप नहीं भूल सकते हैं पेशावर वाला ठीक है जिनको कि हम बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं ठीक है बाद शाह खान के नाम से भी जानते हैं और जिनको हम फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं इन्होंने लीड किया था पेशावर जो कि एनडब्ल्यूएफपी डब्ल्यू एफ पी नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस रीजन में आता है जो प्रेजेंट पाकिस्तान में पड़ता है वहां पे इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट चलाया रेड शर्ट लाल कुर्ती आंदोलन रेड शर्ट्स ये कौन थे इन्होंने एक पार्टी बनाई थी खुदाई खिदमतगार खुदाई खिदमत गार और इस पार्टी का यूज करके इन्होंने पे इसको लीड किया सीडीएम को सिविल मूवमेंट को पेशावर में तो याद रखना अगेन रिपीट खान खान अब्दुल गफ्फार फ्रंटियर गांधी रेड शर्ट खुदाई खिदमतार ये भूल नहीं सकते एकदम रट जाइए रट इसको तुरंत अभी ठीक है धारसाना से अगर कर बात करें तो धारसाना जगह पड़ती है गुजरात में डांडी के पास में है जहाँ पे गांधी जी ने पहले बोला था कि आ, मतलब यहाँ पे हम रेड करेंगे तो यहाँ से लीड किया था सरोजनी नायडू जो हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल हैं और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं और मणिपुर और नागालैंड से अगर बात करें तो रानी गैदिन दिन ल्यू ठीक है रानी गैदिन दिन ल्यू इन्होंने लीड किया था मणिपुर से बहुत फेमस पर्सनैलिटी है इन पर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा जल्दी ठीक है तो बस हमें बट अभी के लिए इतना याद रखना ठीक है रानी गैदिन दिन ल्यू कि इन्होंने लीड किया था वाले नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से इनको फिर मतलब जेल में डाल दिया था ब्रिटिशर ने और बाद में जब हम आज़ाद हो गए थे तो फिर इनको रिलीज़ किया गया था जेल से फॉर्म्स ऑफ मोबालाइजेशन अगर बात करें तो किस तरह से यहाँ पे मोबलाइजेशन वा नहीं यहाँ पे प्रभात फेरी बनाई गई ठीक है थोड़ा सा देख लीजिए प्रभात फेरी बनाई गई वानर सेना मतलब एक तरह से इस तरह से लोगों को मोबालाइज किया गया कि भाई ये ये प्रभात फेरी बना लो ये वानर सेना है ये मंजरी सेना है इस तरह से मोबिलाइज किया गया लोगों को इकट्ठा किया गया ठीक है एंड अब आते हैं गांधी हरविन पैक पे बस चीजें अब खत्म होने को हैं तो अगर किसी को डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लो यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है एक बार मैं कॉमेंट्स चेक कर लेता हूँ बिकॉज अब हम लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं गांधी इंपैक्ट है देन बस इसके बाद ब्राउन टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म फिर और कराची सेशन शॉर्ट सी शॉर्ट और कल हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा और कल ही हम लोग सारे क्वेश्चन भी करेंगे ठीक है कल का जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कम होगा क्विट इंडिया मूवमेंट और थोड़ी इक्का दुक्का चीज़ें हैं उसके बाद कल का जो मेन पोर्शन होगा वो हमारा क्वेश्चन का होगा ठीक डेढ़ सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और कल खत्म हो जाएगा और फिर नए साल में हम लोग नए सब्जेक्ट की स्टार्ट करेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है अब तुम्हें याद आ रही है ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है कब से ग्रैंड ओल्ड मैन कल ख़त्म कर चुके हैं ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है यहाँ क्विज सेशन चल रहा है कि चलो मास्टर से पूछो सवाल कि देखते हैं मास्टर बता पाते ही नहीं ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है बताया नहीं अभी इतना हम लोग दो तीन दिन से पढ़ रहे हैं दादा भाई नरोजी के बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया नेशनल इनकम दिया पोवर्टी लाइन दिया रस्त गुफ्तार पब्लिश किया पोवर्टी एंड ब्रिटिश वो इंडिया किताब लिखी ग्रेन थ्योरी दिया ठीक है अब पूछ रहे हो कि ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है खैर गांधी रू इम्पैक्ट पे आते हैं हुआ क्या जब गांधी जी जेल ये सब हो गया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उतना रिस्पॉन्स नहीं है गांधी जी नहीं आए ना तो जो महफिल है वो जमी नहीं लंडन में तो बुलाया बुलाया कि गांधी जी को बुलाओ इतनी फेमस पर्सनालिटी है उनको तो देखना है लोग यहाँ पे तड़प रहे हैं एकदम गांधी जी को देखना है गांधी जी को देखना है, बुलाओ बुलाओ तो गांधी जी को जेल से छोड़ाया जाता है पहले तो इरेविन जो वॉइस रहा है उस समय बुलाता है देखो गांधी जी अब हमें लोग एक पैक्ट साइन करते हैं कुछ तुम्हारी डिमांड होंगी वो तुम हमसे बोलो हमारी कुछ डिमांड है वो हम तुमसे बोलेंगे और मान लेते हैं उनकी डिमांड्स को तो गांधी जी के काफ़ी सारी डिमांड थी जैसे कि उन प्रिजनर्स को रिलीज करो जिन्होंने वॉयेंस नहीं किया पहली बात तो वो फाइन्स जो अभी कलेक्ट नहीं हुए हैं उनको वो दो जो जो लैंड अभी थर्ड पार्टी को सेल नहीं करी गई उनको दो उनको वापस कर दो लोगों को और लोगों को सॉल्ट बनाने का आदेश दो अपनी पर्सनल यूज़ के लिए सारी चीज़ें इरविन ने एक्सेप्ट कर ली गांधी जी के कुछ और भी डिमांड थी जो इरविन ने नहीं मानी गांधी जी ने बोला भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जी की फांसी को टाला जाए बट वो इरविन ने नहीं माना इरविन ने बोला इरविन की कुछ डिमांड थी और इसमें से जो प्रमुख डिमांड थी दैट वॉज दो आर आरटीसी को सस्पेंड करो और सॉरी क्या बोलूँ? सी को सस्पेंड करो और आर में पार्टिसिपेट करो ठीक है सी डी एम दैट इज सिविल डिसोबिनंस मूवमेंट सविना वर्ग आंदोलन को सस्पेंड करो और आर टी सी पहली वाली तो हो चुकी थी उन्नीस सौ तीस में अब जो उन्नीस सौ इकतीस में दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट करो तो गांधी जी ने दोनों मान ली उसका कारण भी था बिकॉज ये काफ़ी टाइम हो गया था और कोई भी मास मूवमेंट चलता है तो ऐसा नहीं कि वो चलता ही चलता रहता है तो गांधी जी इस पे फिलासफी पे बिलीव करते थे कि भाई एक स्ट्रगल का पीरियड होता है देन ट्रूस का पीरियड होता है ट्रूस मतलब ये कि शांति का शांति में लोग फिर से अपनी जो खोई हुई एनर्जी है उसको वापस लाएंगे फिर से स्ट्रगल करेंगे फिर से ट्रूस फिर से स्ट्रगल तो ये स्ट्रगल एस टी सी स्ट्रैटेजी बोलते हैं सॉरी एस टी एस स्ट्रैटेजी स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल स्ट्रैटेजी ठीक है तो सेकेंड अभी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं उस लेकिन उससे पहले कराची सेशन होता है नाइन्टीन में कब होता है ट्वेंटी नाइन्थ मार्च नाइनटीन थर्टी वन को ये सेशन होता है कराची में और इसको प्रिसाइड करते हैं हमारे सरदार पटेल जी ठीक है जिनको कि हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं तो आपको ये थोड़ा सा डेट देखिए उनतीस मार्च की डेट है छः दिन पहले ही फांसी की सजा हुई है भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जी को तो जब ये लोग कराची सेशन में जा रहे थे कांग्रेस वाले तो इनको काले झंडे दिखाए गए क्यों इसलिए दिखाया गया कि आप जो है फांसी टाल नहीं पाए तो जो पंजाब नौजवान भारत सभा है जो 1926 में भगत सिंह ने बनाई थी उसने इनको काले झंडे दिखाए खैर ये सेशन होता है और इसमें क्या होता है पहली चीज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे फॉर द टाइम बीइंग सीडीएम को सस्पेंड करेंगे थर्ड थिंग पूर्ण स्वराज द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज री इसका मतलब क्या है यानी कि पूर्ण स्वराज का मतलब पहली बार बताया गया इस सेशन में ध्यान रखना पूर्ण स्वराज का जो मीनिंग है वॉट इट डज इट मीन फॉर द मासज उसको बताया गया सबसे पहले इस सेशन में और लास्ट इज कि यहाँ पे दो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए हैं दो अच्छा दो ये जो डोमिनियन स्टेटस है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो स्वतंत्र उपनिवेश बोलते हैं मैं बताना भूल गया स्वतंत्र उपनिवेश ठीक है जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं स्वतंत्र उपनिवेश बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस को तो दो रेजोल्यूशन यहाँ पे अडॉप्ट हुए एक तो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम अगर बात करूँ तो क्या बोलेंगे हिंदी में राष्ट्रीय हो जाएगा और ये हो जाएगा आर्थिक और ये हो जाएगा नियोजन हाँ तो राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन तो दो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुए ध्यान रखना किस में कराची सेशन में तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है अब होगा क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेन सम्मेलन ये गोल सम्मेलन है क्या तो एक्चुअल में जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसको डिस्कस करने के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई गई थी लंडन में तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं टोटल फर्स्ट अगर बात करें 1930 ये मतलब लास्ट ऑफ द ईयर में होती थी यानी कि साल के अंत में जैसे कि दिसंबर में स्टार्ट हुई जनवरी 1931 तक चली सेकेंड वाली ये सेप्टेंबर नाइनटीन में स्टार्ट हो गई थी और थर्ड वाली नाइनटीन थर्टी में हुई इट वॉज दी ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें कि गांधी जी और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया जिसमें कि ओनली आर टी सी इन विच कांग्रेस पार्टिसिपेटेड और कांग्रेस को लीड किया गांधी जी ने गांधी जी कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बन के गए तो गांधी जी बोल लो चाहे कांग्रेस बोल लो एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने पार्टिसिपेट किया दैट वॉज उन्नीस सौ इकतीस की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहली में क्यों नहीं किया बिकॉज गांधी जी तो उस समय जेल में थे सारी चीजें और तीसरी में क्यों नहीं किया क्योंकि जब ये वापस आए तो जो इनकी डिमांड थी वो मानी नहीं गई तो इन्होंने फिर से सीडीएम को लॉन्च कर दिया और जैसे ही लॉन्च करने का स्टार्ट किया गांधी जी को फिर से ही जेल पूना में डाल दिया गया और इसलिए तीसरी वार भी पार्टिसिपेट नहीं किया धन्यवाद ठीक किसी का कोई डाउट अब खत्म हो गई सारी चीजें समझ में आ गई सारी चीजें सारी चीजें समझ में आ गई घंटे के अंदर ही खत्म हो गई सारी चीजें गांधी जी के ग्रैंडसन हाँ गांधी जी के सन भी थे मनीलाल ठीक है तो वो जब भी मैंने बताया था सरोजी नायडू धारसाना से तो वो भी उन्हीं के साथ थे अच्छा कमेंट में गांधी जी के ग्रांड से क्या वो हो कहाँ है सर इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद ये दिया था हसरत मोहानी ने जो लाहौर सेशन में लगा था ना इकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था और हसरत मोहनी अगर आपको याद हो रहा हो ये मैंने जब 1919 कल पढ़ा रहा था खिलाफत आंदोलन तो जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी थी उसमें मेली कौन थे हमारे अली बदर से मौलाना मौलाना अली और शौकत अली और उसमें हसरत मोहानी भी थे अजमल खान भी थे पूना फैक्ट पूना फैक्ट नहीं पूना पैक्ट वो हम कल के लेक्चर में के लिए भी कुछ छोड़ दो तो गांधी जी को भी जेल में डाल दिया है हम लोगों ने यार उधर जेल पूना में वो गांधी जी को जेल हो गई और जेल में ही कल हम लोग कुछ करवाएंगे मतलब गलत काम नहीं तो मतलब अम्बेडकर जी को बुलाएंगे और कुछ करवाएंगे कल ठीक है एक पैक्ट साइन करवाएंगे सर फॉर्म्स ऑफ मोबलाइजेशन समझ आनंद फॉर्म्स ऑफ मोबालाइजेशन का मतलब है जैसे कि मैं बोल दूँ कि आप में से जो लड़कियाँ हैं वो वो प्रभात फेरी हैं और लड़के वानर सेना बनाएंगे अपनी लड़कियां प्रभात फेरी बनाएंगी इस तरह से तो मतलब इकट्ठा करने का तरीका है वो ठीक है <coughs> गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ बताया तो 1931 चल लिखा नहीं यहाँ पे 1931 1931 में हुआ ये गांधी पैक्ट ठीक है और अगर एग्जैक्ट डेट तो ऐसे नहीं पूछेगा लेकिन अगर पूछ ले चौदह फरवरी ठीक है चौदह फरवरी उन्नीस सौ इकतीस ठीक है तो चौदह फरवरी उन्नीस सौ इकतीस को उनको पैक्ट साइन होता है फिर दिसंबर में जाके कराची सेशन होता है मतलब उसका उससे पहले हो जाता है एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है कराची सेशन स्पेशल होता है दिसंबर बोलो मार्च में होता है उनतीस मार्च में वैसे तो दिसंबर में होता है तो बट ये स्पेशल सेशन था कराची का तो यहाँ पर सेशन होता है और देन जो दिसंबर के टाइम में ये राउंड टेबल सॉरी सेप्टेम्बर के टाइम पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है वहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं साइमन ग साइमन गोबा किसने दिया तो ये एक्चुअल में एक यूसुफ मतलब एक मुस्लिम पर्सन है यूसुफ़ महरली उन्होंने दिया था लेकिन ये पूछेगा नहीं आपसे कभी ठीक है अब आप पूछ रहे हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ लेकिन पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन कभी आपसे आज तक तो पूछा नहीं गया ठीक है अगर हाँ अगर के में कल को जाते हो अगर क्वेश्चन आ जाता है ये तो ये अगर तुम उसका आंसर दे देते हो तो जितना भी वो प्राइज़ बनी का क्वेश्चन होगा उसका आधा पैसा तुम मेरे खुदे को ध्यान रखना ठीक है यूसफ महरली पूर्ण स्वराज का मतलब यह है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब हमें मतलब डोमिनियन स्टेटस से ऊपर है पूर्ण स्वराज कि अब हमें तुम यहां से निकल लो ठीक है पूरी तरह से यानी हमारी सरकार होगी और हम ही रूल करेंगे उसमें आ, फ, फादर ऑफ डायरकी तो डैरकी का फादर देखो वैसे तो आ, 1919 में था मोन्टा की चर्च फॉर्ड रिफॉर्म बोलते हैं बट एक पर्सन हुए एक कर्टिस करके कोई नाम था उनका कुछ एग्जैक्ट तो नाम याद नहीं आ रहा मुझे बट कर्टिस करके था वो उसको बोलते हैं फादर ऑफ डायर की लेकिन ये भी अगेन इसको याद नहीं करना है मैं पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ ठीक है लेकिन ये पूछेगा नहीं आपसे ऑल थ्री अम, अम्बेड किसने अटेंड करी थी अम्बेडकर जी ने बिल्कुल बात सही है तीनों की तीनों जो है ऑल थ्री अम्बेडकर जी ने अटेंड करी थी ठीक है तीनों जो हैं अम्बेडकर जी ने अटेंड करी तो इन्होंने यहाँ पे कुछ डिमांड भी रखी थी वहाँ पे जाके वो हम डिमांड अगले लेक्चर कल के लेक्चर में देखेंगे ठीक है चंद्रशेखर आज़ाद की अगर बात करें तो इनको अलाहाबाद में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इनको चंद्रशेखर आज़ाद को अलाहाबाद में मार दिया गया एक्चुअली मारा नहीं गया था उन्होंने खुद ही गोली मार ली थी जिसका नाम पहले एल्फ्रेड अल, पार्क हुआ करता था अब उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क ही है जो कि आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगा तो इन्होंने खुद को 1931 में 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद किल्ड हिमसेल्फ ठीक है किल्ड हिमसेल्फ ख़ुद को शॉट कर लिया था एक्चुअल में ये एक पार्क में थे जिसका नाम अभी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है प्रयागराज में है ये और ये इनको पुलिस पकड़ रही थी क्योंकि इन्होंने 1929 में जो समय वॉइस रॉय था इरविन उसकी ट्रेन को बम से उड़ाने का इन्होंने ट्राई किया था तो इरविन जैसे तैसे बस बच गया था ही जस्ट नैरोली एस्केप्ड और जब ये बच बच निकला वहाँ से 1929 में तो इनको ढूंढने की तलाश हो रही तो इन्हीं के कोई एक साथी थे उन्होंने जो है बता दिया ब्रिटिशर्स को कि यहाँ पे हैं। तो ब्रिटिशर्स जब आए ठीक है तो वो ये बोला जाता है कि वहाँ पर पे पेड़ भी अभी भी है ठीक है तो पेड़ के पीछे वो छुपके फायरिंग कर रहे थे और जब ये पता चला कि अब ये पकड़ लिए जाएंगे तो उन्होंने खुद को ही गोली मार ली बजाय कि वो अंग्रेज़ों के हाथों मारे हाथों मारे जाते तो चंद्रशेखर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी को तो फांसी हुई तेईस मार्च उन्नीस को और उन्नीस को चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली जो इन्होंने एच एस आर यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी को बनाया था तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे आज के लेक्चर से ना सिर्फ जी याद करें अपने एग्जाम के लिए बल्कि थोड़ा मोटिवेट भी हों कि जो हमारे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद इन लोगों ने इतना सारा और भी बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं कितना सारा कुछ हमारे हम लोगों के लिए किया है ना तो पहले तो उनको थैंक्स बोलेंगे और इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे ज्यादा <laughs> बस हाँ रील्स देखेंगे जीके वाली और कुछ नहीं ठीक है <laughs> और जो है और ज्यादा कुछ मतलब ये नहीं सारी चीजें करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि अब सोचो अगर वो देखेंगे हमें कि देखो यार मतलब हमने इनको आजादी दिला दिलावरी सब क्या कर रहे हैं बैठ के है कि नहीं तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारी भी जो फ्यूचर जनरेशंस है हमें याद करें है कि नहीं तो बस थोड़ा मोटिवेट भी होना सर डिजिटल नोट्स मिलेंगे क्या जो हैंड रिटन है मतलब सुजीत में समझा नहीं है आपका डाउट नोट्स आपके सब पढ़ चुके हैं हाँ जी सुमित बारह माह से 6 अप्रैल तक हुआ था तो और मैंने क्या बता? बताया ये तो बताया कहाँ गया अरे चल रहा भाई आगे कहाँ गया उसको ठीक है चार अप्रैल लिख दिया क्या मैंने गलती से छः अप्रैल हो गया यहाँ पे ठीक है बारह अप्रैल से लेके अप्रैल तक बारह अप्रैल से छः अप्रैल तक चला था बाय श्रुति हम भी बैठे बेटा यहाँ पे हमको भी बाय कर लो हैं चलो वही कल मिलते हैं ठीक है धन्यवाद कल होंगे क्वेश्चन कल होंगे सारे क्वेश्चन कल सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ठीक है जितने भी क्वेश्चन हैं आज